हेलो दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं रोशन, आज अपन चर्चा करने वाले हैं एग्रीकल्चर से बीएससी करने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या प्रॉफिट हैं। तो चलिएगा, सबसे पहला फायदा ये रहेगा हमारे कि जब अपन एग्रीकल्चर से बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद में हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो कई बहुत सारे होते हैं जो भी पीएचडी करने के बाद में नाम के पहले डॉक्टर लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा आपके लिए है, एग्रीकल्चर वालों के लिए, कि जब अपन बीएससी कर लेते हैं तो इसके बाद में नाम से पहले डॉक्टर लग जाता है। चलेगा, दूसरे फायदे के बारे में चर्चा करें तो जब अपन बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं, यानी एग्रीकल्चर से बीएससी कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास में जो भी डिग्री आ जाती है, तो डिग्री आने के बाद में हमें लाइसेंस दिया जाता है। तो पहला लाइसेंस ये मिलता है कि अपन पेस्टिसाइड की शॉप कर सकते हैं, जो भी कीटनाशक दवाइयां आती है, खाद भी जाते हैं उसके, अपन कहीं भी पूरे एरिया में, कहीं भी पूरे भारत में आप शॉप कर सकते हैं। आपको इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है और आपको वो डिप्लोमा आपके कॉलेज वाले, जो भी यूनिवर्सिटी वाले आपको दे देते हैं। चलेगा, इसके बाद में अगर अपन खुद करना चाहें, इसमें डबल फायदे हैं आपके लिए कि अगर अपन खुद करना चाहें तो अपन खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन खुद नहीं करना चाहें, अपन खुद और कोई जॉब में लग गए या कोई और काम करने लग गए, तो अपना जो लाइसेंस है वो बेकार नहीं जाएगा। यानी लाइसेंस को अपन किराए पे लगा सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, या सालाना उसका जो पैकेज रहता है वो 50 से 60 हजार के बीच में रहता है, या उसका मंथली भी पैकेज रहता है, जैसे 5 से 6 हजार रुपए का मंथली पैकेज है, तो वो हमारे एक्स्ट्रा कमाई चलती जाएगी उसमें। यानी जब तक वो लाइसेंस चलेगा, जब तक हमारी कमाई ऑलरेडी चलती रहेगी। इसके बाद में हमारा जो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर प्रॉफिट की बात करें, उसमें क्या फायदा है, तो हमारा जो सेकंड नंबर लाइसेंस आता है, अपन अपनी एजेंसी बना सकते हैं। यानी जैसे खाद बीज की अपने अपने प्रोडक्ट कंपनी से बनवा सकते हैं और उसको क्या है, बाजार में ला सकते हैं, उतार सकते हैं उनको, और किसानों में भी अपन दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई ब्लैक का काम नहीं है, वो एक तरीके से सरकारी काम हो जाता है। ये अपने तरीके से अपन उसको कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपने नाम से या अपने हिसाब से अपन बता सकते हैं भी इस तरीके का हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कंपनियां हैं हमें बता सकती है, और अपने नाम से अपन क्या है, एजेंसी भी बना सकते हैं। तो चलिएगा, इसके बाद में हमारा जो फायदा रहने वाला है, जैसे बैंक में वैकेंसियां आती है, यानी जो अपन डिग्री प्राप्त कर लेते हैं इसके बाद में, यानी बीएससी कंप्लीट होने के बाद में अपन बैंक में वैकेंसियां देख सकते हैं, जैसे कि एओ, डबल एओ, एसओ की वैकेंसी आती है, वो भी अपन ओनली फॉर एग्रीकल्चर वाले ही देख सकते हैं, और कोई नहीं देख सकता उसका। यानी वो कब देखेंगे, जब हमारे पास में बीएससी की डिग्री कंप्लीट होगी, ठीक है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया फायदा है। इसके बाद में देखो, अगर बाय चांस आपको कोई नौकरी नहीं मिले गवर्नमेंट की, भगवान ऐसा नहीं करे कि आपको नहीं मिले, लेकिन बाय चांस भी, बाय दवा अगर आपको नहीं मिले, तो भी बहुत बड़ा मौका होता है। जैसे भी हमारे जो भी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड से संबंधित जितनी भी, एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी जो एजेंसियां होती है, जैसे खाद बीज बनाने वाली, कीटनाशक दवाइयां बनाने वाली, वो भी आपको बहुत बड़ा ऑफर देती है, बहुत बड़ा तोहफा देती है, सालाना पैकेज देती है। उसमें हमारे पास में टैलेंट और जज्बा होना जरूरी है। जितना बढ़िया टैलेंट हम देंगे, जितना बढ़िया हमें जज्बा होगा उस काम को करने का, तो बहुत बड़ा, यानी आप सरकारी नौकरी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। एक आपका दोस्त कोई सरकारी जॉब में है और आप अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा इस 10 लाख तक का ऑफर भी आता है आपके पास में। और अगर विदेश की बात करें, अगर विदेशों में अगर कई बार ऑफर आ जाते हैं, तो विदेशों से अगर ऑफर आ जाते हैं तो बहुत बड़ा, यानी सोने पे सुहागा, उससे बड़ा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। यानी आपका फ्रेंड का पूरा परिवार गवर्नमेंट जॉब में है, आप खुद एक एजेंसी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो भी यानी 20 से 30 लाख तक का पैकेज आता है। तो ये हमारे पास में प्रॉफिट है। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करेंगे, बाय चांस, बाय दबा ये हो जाता है कि अपन कोई भी जॉब में नहीं लगते हैं या कोई भी प्राइवेट कंपनी में नहीं जाते हैं, तो एक अच्छा किसान बन सकते हैं वो, जो कि भारत की शान है। इन दोनों में आपने देख लिया होगा कि सबसे बड़ा जो योद्धा उभर के आ रहा है वो क्या है, कोरोना काल में सबसे बड़ा किसान उभर के आ रहा है, यानी किसान ही पूरे देश को चला रहा है, तो बहुत बड़ा किसान भी बन सकते हैं। यानी आजकल जो टेक्निकल मशीनें दे रहा है एग्रीकल्चर ने, बहुत बढ़िया बढ़ावा दिया है खेती को, यानी इतनी बढ़िया बीजें दी है उन्होंने, इतना बढ़िया जो प्रोडक्ट दवाई के रूप में दिया है उन्होंने, और जितनी भी मशीनें है आजकल, तो किसान जैसे काम करता है खेत में तो उसके क्या पसीने तक नहीं आता, यानी उसको कुछ भी जोर नहीं आता है। यानी इतनी बढ़िया मशीनें दे रखी है, अपने आप बीज देती है, अपने आप वो कटाई कर देती है और अपने आप निकाल देती है। अब इसको किसान को क्या करना है, वो
बीज ला के मशीन को देना है और मशीन क्या है काट के उनको दे देती है, ट्राली में डाल देती है और किसान अपने घर में ले जाता है। तो ये बहुत बढ़िया इनके फायदे हैं एग्रीकल्चर से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है अच्छे तरीके से तो एक एक लाइक तो सभी का बनता है, एक एक लाइक और एक एक शेयर सभी का बनता है। तो सभी एक बार लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में लगे बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों जय हिंद जय भारत।